अगर आपके घर में भी इस तरह के छोटे छोटे बॉटल यूज़ होते हैं और उसको आप फेंक देते हैं ना, तो आज का मेरा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही पसंद आएगा आपको, और बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। आने वाले फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जिनका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो इस तरह से देखिए डमरू बनाएंगे, जिसे आप चाहे तो कैंडल स्टैंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं या इससे लटकन बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से अगर आप कैंडल रखते हैं ना कैंडल स्टैंड में, तो बहुत ही सुंदर लगता है, कलरफुल अलग अलग कलर का बनाइए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के मेरे पास ये दो बॉटल है, तो इन दोनों से दो बन जाएंगे। जो ऊपर वाले साइड का है ना, उससे बनेंगे बेल, तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी, आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए ऊपर वाले पार्ट का, तो ये दोनों का अलग कट करके रख लूंगी, और बाकी नीचे वाला पार्ट जो है ना, उसमें एक से दो डमरू बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जो नीचे के साइड में स्टैंड टाइप का थोड़ा सा झुकाव वाला है, वहाँ से पहले कट कर लेंगे। और इसको काटना बहुत आसान है। देखिए पहले एक छोटा सा चाकू से या किसी भी धार वाली चीज़ों से थोड़ा सा नोक लगा दीजिए, उसके बाद देखिए कैंची से बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो अभी देखिए नीचे साइड का एक्स्ट्रा जो भी था उसको कट करके और रख दी हूँ, उसको भी मैं बाद में यूज़ करूँगी। आज पहले सिर्फ डमरू का दिखाऊँगी बनाना। तो ये देखिए ऊपर वाला जो जहाँ से पूरा एक झुका हुआ रहता है ना, वहाँ से पूरा कट कर लिए। अब देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें दो टुकड़ा कर लिए। तो इस तरह से एक बॉटल में दो बन जाएगा। तो अब देखिए इसका, देखिए जो कागज़ लगा हुआ था उसको निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके बीच में बाहर की तरफ राउंड में उनको लगाएंगे। तो कोई भी कलर का, अगर आप ना सेम जो कलर से बाहर का लुक देना चाहते हैं, अगर वो वाला कलर कम भी हो ना, तो ये जो मैं रोल कर रही हूँ ना, ये कोई अलग तरीके का कलर भी आपके पास जो बेकार हो और थोड़ा ख़राब हो गया हो, उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। बस इसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये डमरू का शेप देगा। तो देखिए इस पर क्या करेंगे ना, ऊपर की तरफ से एक ही जगह पे बार बार, तो एक जगह पे बार बार लगाने के लिए इसको ग्लू गन से चिपका दे रहे हैं, जिससे उभरा हुआ थोड़ा सा रहेगा। तो आपके पास फेविक्विक है, कोई भी थोड़ा बहुत हार्ड चिपकने वाला हो उससे आप चिपका सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी पहले इसका शेप बना लिए हैं, एक ऊपर से मतलब कवर करके ये डमरू का शेप बना लिए। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको अंदर की तरफ से चारों तरफ से कवर करेंगे। तो देखिए पहले इसको चिपका लिए और फिर अंदर की तरफ से डबल धागा ले लीजिए या दो तीन बार का मोटा धागा लीजिए ताकि जल्दी से हो जाए। तो मैं डबल धागा से कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से रोल करते हुए, और ये रोल बहुत ही आसान है तो इसलिए इसका स्पीड बढ़ा देती हूँ। इसी तरह से मैं कई बीट्स बनाई थी ना, तो उसमें भी जो चीज़ मैं जैसे अभी बता दी, तो अब इसके बाद बार बार रोल करना है, तो इसकी स्पीड अगर कम रखेंगे ना, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई लोग कमेंट करते हैं बहुत ही स्पीड ज़्यादा था। तो पहले तो मैं अच्छे से पहले समझा दी हूँ कि कैसे इसको रोल करना है, अब उसके बाद जितना पूरा रोल करना है ना, अगर पूरा दिखाएँ तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखिए इसी तरह से पूरे में कवर कर लेंगे इसको। तो देखिए इसी तरह से, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो देखिए अभी पूरा रोल हो गया, उसके बाद नीचे के तरफ अंदर से चिपका करके एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट कर लिए। तो देखिए ये कितना बढ़िया डमरू का शेप बन गया, एक कलर में आ गया। अब इसको चाहे तो आप ऐसे यूज़ करें, लेकिन ऐसे अभी इसकी मतलब लुक उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो इस पर क्या करेंगे, ये पतला वाला जो लेस है ना, इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले ग्लू गन से इसको चिपका लेंगे और फिर चारों तरफ से रोल कर लेंगे। बीच बीच में कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो जा रहा है, तो ये मेरे कैमरे का पता नहीं, जब सामने से देखते हैं ना तो नहीं पता चलता कि क्यों हो रहा है, और जब बनाने लगते हैं बाद में जब एडिट करते हैं तब पता चलता है कि ये बार बार बीच बीच में से हो गया है। तो देखिए इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर
इस तरह से क्रॉस करते हुए पूरे में, और चाहे ना तो आप इसको चिपकाए नहीं तो बीच में नॉट लगा लें, उस तरह से भी हो जाएगा, या फिर कट करके चिपका लें। तो जैसे आपको आसानी लगे, नॉट लगाने के बाद भी ना बीच का सेंटर बहुत अच्छे से बच जाता है और देखने में वो भी अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैं इसको चिपका ली हूँ और ये हमारा डबरू बनके तैयार हो गया। तो देखिए कितना झटपट बन गया है, वो भी बेकार पड़ी बॉटल से। और अब इसमें आप चाहें ना तो ऊपर इस तरह से कैंडल रख करके उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी से आने वाले दिनों में मैं लटकन बताऊंगी वो भी आप बना सकते हैं। तो वो आपको जिस तरह से इसका यूज़ करना हो ना, तो अभी देखिए ढेर सारा इस तरह से बना लेंगे और फेस्टिवल के लिए। और इस तरह से इसके ऊपर अगर कैंडल रखेंगे ना और उसके बाद लाइटिंग जलेगी तो उसकी लुक एक अलग ही देखिए आ रही है। इस तरह से सिंपल सा कैंडल को आप इस तरह से एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।